मध्य भारत के अग्रणी स्वास्थ्य सेवा अस्पताल वोकार्ट हॉस्पिटल नागपुर ने 69 वर्षीय पुरुष मरीज पर अपनी तरह की पहली इनोवेटिव एंजियोप्लास्टी कर मरीज की जान बचाकर एक बार फिर खुद को साबित किया है। एक 69 वर्षीय उच्च रक्तचाप से ग्रस्त मधुमेह से पीड़ित सचिन, जिन्हें दिल का दौरा पड़ा था, वोकार्ट हॉस्पिटल नागपुर में आए और डॉक्टर नितिन तिवारी सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ने उनकी जाँच की। मरीज की 2011 में लखनऊ में एंजियोप्लास्टी हुई थी। उन्हें बार बार एंजाइना यानी सीने में दर्द होता था और इसलिए डॉक्टर नितिन तिवारी ने उनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी की, जिसमें पुराने स्टेट में 100% ब्लॉकेज का पता चला। यह स्टेट पहली पीढ़ी पुराने प्रकार का स्टेट था जो ब्लॉक हो गया था। मरीज को एलईडी में एक और ब्लॉक भी था जिसे स्टेट लगाया गया था। डॉक्टर नितिन तिवारी ने पुराने ब्लॉक स्टेट की एंजियोप्लास्टी और स्टेटिंग करने का निर्णय लिया। ब्लॉक को पार करने के लिए कठोर तारों का उपयोग किया गया। ब्लॉक को फुलाने के लिए बलून्स का इस्तेमाल किया गया और उनमें से एक बलून फट गया, जिससे हृदय की मध्य आर्टरी में छेद परफोरेशन हो गया। यह एक गंभीर जीवन घातक जटिलता है जो लगभग 0.5% एंजियोप्लास्टी में देखी जाती है। 25,000 से ज़्यादा मैंने इंटरवेंशन किए हुए हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी एक यूनिक केस मैंने किया है, 69-year-old जेंटलमैन जिन्हें हार्ट अटैक हुआ था, जिन्हें डायबिटीज बीपी भी था, उनको 2011 में एक स्टेंट लगा था लखनऊ तरफ, जो कि पुराने टाइप का स्टेंट था, फर्स्ट जनरेशन स्टेंट, जो कि ब्लॉक हो गया। उन्हें दो ब्लॉक थे, 70-80% के आसपास और 100% जो स्टेंट ब्लॉक हो गया। वो स्टेंट को मैंने खोला हार्ड वायर से और एक बलून से फुलाया, तो ऐसे में बलून फूट गया। इस तरह की कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी में ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसके कारण बीच वाली जो आर्टरी थी वो फट गई। तो ऐसे में मैंने वो जो फटी हुई आर्टरी है उसे बलून फुला के मैंने उसे बचाया। 3 मिनट मैंने बलून फुला के रखा, जिससे वो लीकेज रुक गया। फिर ऐसे टाइम पे पैनिक सिचुएशन में इंसान कुछ भी डिसीजन ले लेता है। तो मैंने ऐसे में फिर वो उस स्टेंट को वापस खोलने के लिए ड्रग इल्यूटिंग बलून वापरे, जो कि मैंने पहली बार नहीं किया। मैंने कई बार ड्रग इल्यूटिंग वापरे, मध्य भारत के सबसे पहले ड्रग इल्यूटिंग बलून मैंने वापरे, चाहे पैर हो चाहे हार्ट, में बहुत सारे इस तरह की मैंने चीज़ें की हैं। ड्रग इल्यूटिंग बलून क्या होता है, 1 मिनट के अंदर जो मेडिकेटेड स्टेंट का जो दवा रहती है एंटी कैंसर, वो 1 मिनट के अंदर आर्टरी के अंदर चली जाती है, जिसके कारण वो जो पुराना स्टेंट जो ब्लॉक था उसमें और मेटल नहीं डाला, अपन ने वही आर्टरी को वापस वही स्टेंट को नॉर्मल कर दिया मेडिकेटेड बलून द्वारा। पर जो लीकेज हो गया था, जो आर्टरी फट गई थी शुरुआत में, उसमें भी मैंने ड्रग इल्यूटिंग बलून डाला, मेडिकेटेड बलून जिसे हम कहते हैं, और उसमें एक कवर्ड स्टेंट, यानी कपड़े वाला स्टेंट, पीटीएफई वाला स्टेंट रहता, कवर्ड स्टेंट, जिससे लीकेज रुक जाता है, वो डाला। पर वो जो कवर्ड स्टेंट होता है उसमें 30% लोगों में वापस ब्लॉक होने का चांस ज़्यादा होता है, बिकॉज ये पुराने टाइप का है, सादा स्टेंट होता है। और इस तरह का स्टेंट अगर मैं डालूंगा तो ये पेशेंट ने पहले भी पैसे खर्चे किए, फिर अभी हो गई, फिर और बेचारे को 30% चांस रहता वापस ब्लॉक होने का। तो मैंने वो ड्रग इल्यूटिंग बलून जो वापरा है उसके द्वारा उस सादे स्टेंट को, कपड़े वाले स्टेंट को मैंने मेडिकेटेड कर दिया। ये मध्य भारत में मैंने पहली बार किसी ने इस तरह का सोचा है, और मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो टाइम पे आदमी पैनिक करता है, जान बचाने की सोचता है, ना कि नई टेक्नोलॉजी या नया तरीके से सोचने का कोई सोचता है। तो ये एक अचीवमेंट आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और आफ्टर सो मच कॉन्फिडेंस और इतने साल के लोगों का जो विश्वास है उसके कारण ये आदमी कर पाता है। तो यही एक नया हुआ है, और ये मैंने देखा तो किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं है इस तरह का। ये पहला केस है मध्य भारत का, तो उसके लिए मैं आभारी हूँ आप लोग के विश्वास का, नागपुर की जनता का और एमपी की जनता का इन पर्टिकुलर मैं काफ़ी आभारी हूँ। खंड का आभारी हूँ कि मेरे पे विश्वास जताया, इतने साल से 20 साल से मेरे साथ मुझे झेल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड आशा करता हूँ कि ये आगे लाइफ लॉन्ग चलती रहे हमारी जर्नी और लोगों की सेवा करते रहे। डॉक्टर नितिन तिवारी ने बैलून से काफी देर तक डायटिलेशन कर इलाज किया, फिर उन्होंने अवरुद्ध स्टेट में प्रत्येक 60 सेकंड के लिए 2 ड्रग एलुटिंग बैलून यानी डीईपी के साथ अवरुद्ध स्टेट को चौड़ा किया, और फिर छेद यानी परफोरेशन के क्षेत्र में एक कवर स्टेट यानी कपड़े या पीटीएफसी से बना डाल दिया। डॉक्टर नितिन तिवारी ने कहा कि कवर किए गए स्टेट का नुकसान यह है कि उनमें से 30% स्टेट 6 से 12 महीनों के भीतर दोबारा ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन डीपी के साथ इसका उपयोग करने से रीब्लॉकेज की संभावना को 5% से कम किया जा सकता है। यह मेडिकेटेड स्टेट में डीपी प्लस कवर स्टेट का उपयोग करने का एक नया तरीका था जो अवरुद्ध हो गया था। डीबी का उपयोग फैलाने वाली बीमारी, छोटी शाखाओं आदि के लिए भी किया जा सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।